जय श्री राम दोस्तों। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और ये 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उसके आधार पर ही सवारी तय होती है। तो इस साल नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है, तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप सभी को शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से बाहर फेंक देनी है और इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। गुरु जी ने जो चीज़ें बताई है उन्हें आपको तुरंत अपने घर से हटा देना है। देखिए, नवरात्रि के ये 9 दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को ही समर्पित होती है। इस दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस बार माता रानी की सवारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाथी पर वे सवार होकर आने वाली है। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी हमारे और आपके घरों में वास करे और हम सभी पर कृपा बनाए रखे, हम सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त करके रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से माता रानी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। माता रानी को साफ सफाई बेहद पसंद है। टूटी फूटी, खराब, बंद पड़ी चीजों को चलते हुए घर से नकारात्मकता को आपको तुरंत दूर फेंक देना है। नकारात्मक ऊर्जा का ये प्रभाव हमारे घर परिवार पर डालती है और ऐसे घर में माता रानी का आगमन नहीं होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आपको नवरात्रि से पहले ही अपने घर से बाहर कर देना है। अगर आप इन चीजों को नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल देंगे तो इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और सभी के साथ पहले ही शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान को अगर आप दूसरों के साथ बांटते हैं, जानकारी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो आपके जो कष्ट होते हैं वो भी कटते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में आचार विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वे एक गलती कर बैठते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अपने घर में इन अपवित्र चीज़ों को रखा हुआ है तो ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार भी 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं और भक्तों के घर में माता रानी वास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करे तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को पवित्र रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद आप अपने घर को गंगा जल के छिड़काव से पवित्र अवश्य करें। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र लाकर भी गौमूत्र को आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर का जो वातावरण है वो पवित्र हो जाएगा, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर के वातावरण में पवित्रता होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस घर में माता रानी जरूर प्रवेश करेगी। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। घर में जो भी फालतू का सामान है, फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में किसी भी प्रकार का कबाड़ सामान हो, टूटी फूटी चप्पलें हैं, उन्हें तुरंत ही बाहर कर दीजिए ताकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। धूप बत्ती जलाकर वातावरण को शुद्ध रखें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले हम सभी अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और उसे सजा लेंगे, क्योंकि मंदिर के साथ एक और ऐसी जगह होती है जिसे हमें साफ सुथरा अवश्य रूप से करना है, रसोई घर। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर मंदिर के समान ही है। हमारे घर का सबसे प्रमुख स्थान ये होता है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले रसोई घर में सफाई अवश्य रूप से आपको कर लेनी है। रसोई घर में कोई खराब अचार रखा हुआ हो या कोई खराब सामान है, टूटे फूटे बर्तन है या फिर कोई
कोई खाली डिब्बा है जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं तो उन्हें भी तुरंत ही आपको बाहर फेंक देना है, घर से हटा देना है, जिससे आपके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहे। दोस्तों, जिस घर के मुख्य दरवाजे में कोई तोड़ फोड़ होती है या दरवाजा खोलने पर आवाज़ आती है, खोलने पर, बंद करने पर आवाज़ होती है, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आवाज़ करने वाले दरवाजे से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आपके घर में पहले से जो धन लक्ष्मी है उसके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से दरवाजा बंद करते और खोलते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप दरवाजों के कब्जों पर मिट्टी या फिर सरसों का तेल थोड़ा सा जरूर लगा दीजिए। आप मशीन का तेल भी यहाँ पर प्रयोग में ले सकते हैं, इससे दरवाजे में आवाज नहीं आएगी। माना जाता है कि टूटे हुए और आवाज करने वाले दरवाजे जिस घर में होते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में कलेश बना रहता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां माता रानी प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले आप अपने घर के दरवाजे ठीक करा लें। अगली जो चीज है जिसे आपको अपने घर से हटाना है वो है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं, फटा हुआ कोई चित्र है, तो फौरन उसे हटा दीजिए, किसी पवित्र नदी में उसका विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लेकर आते हैं। ना तो घर में खंडित मूर्तियों की पूजा करें और ना ही इस प्रकार की मूर्तियों को घर में वास करें। तुरंत ही उन्हें जाकर कहीं भी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए या ऐसे कहीं स्थान पर डालिए जहां पर किसी का पैर ना लगे। अगली जो चीज है वो है कबाड़। अगर आपके घर के उत्तर दिशा में आपने कोई कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप उसे अवश्य रूप से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। अगली चीज है बंद या फिर खराब घड़ी। यदि आपके घर या फिर कार्यस्थल पर कोई भी खराब घड़ी है तो नवरात्रा शुरू होने से पहले ही आपको उसे ठीक करवा लेना है या नई घड़ी ही आप लेकर आ जाएं। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय को पीछे चलाने का कार्य करती है और हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले बंद घड़ी को भी घर से बाहर हटा दीजिए। दोस्तों, अगली चीज है मंदिर। मंदिर के आसपास रखा हुआ फालतू सामान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर के आसपास कोई भी फालतू सामान है, जैसे कई लोग धूप बत्ती या माचिस को इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी तिल्लियां होती है, खाली पैकेट होते हैं, पुरानी धार्मिक पुस्तकें हैं, भगवान जी की फोटो, कपड़े, मूर्तियां, मुकुट, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ से जुड़ी हुई व्यर्थ चीजें अगर आपने घर के मंदिर के आसपास रखी हुई है तो उन्हें भी आप तुरंत ही हटा दीजिए। और सफाई करने के बाद ही नवरात्रा के पहले दिन पर आपको चौकी की स्थापना वहां पर करनी है। अगली जो जगह है धन रखने वाला स्थान, आपकी जो तिजोरी है, तिजोरी भी साफ सुथरी आपको करके रखनी है। उसमें कोई धूल है या फिर कोई फालतू का सामान, कोई बैग इकट्ठे किए हुए हैं आपने, या फिर कोई लेदर का सामान है अगर आप अपनी तिजोरी में आपने रखा हुआ है, तो उन्हें भी आप नवरात्रा शुरू होने से पहले ही हटा लीजिए। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को अवश्य रूप से शामिल कीजिएगा। ये मैं आप सभी को पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से ही कौड़ियाँ खरीद कर ले आइएगा। माता रानी का ये बेहद पसंदीदा चीज है। मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कौड़ियां माँ लक्ष्मी की बहन है। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है। अगर आप अपने घर में कौड़ियां रखते हैं, माता लक्ष्मी अगर आपके दरवाजे से गुजर रही है, माँ दुर्गा गुजर रही है, तो वे तुरंत आपके घर में प्रवेश कर लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। इन चीजों को आप पहले से ही नवरात्रि के पहले ही अपने घर से बाहर हटा दें। अगर आप नवरात्रि के समय इस वीडियो को देखते हैं तो जब आप इस वीडियो को देख लें तभी इन कामों को आपको कर लेना है ताकि माँ दुर्गा की सवारी इस साल आपके घर में अवश्य प्रवेश करे। माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आने वाला नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।